नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आरती के दीपक घी से या तेल से या घी और तेल दोनों से ही मिश्रित करके जलाया जा सकता है नहीं, ये एक सवाल आया है। नवरात्रि के वैसे तो मैंने बहुत सारे इस विषय की वीडियोस, दीप आदि के ऊपर बहुत सारे वीडियो मैंने बना दिए हैं, पर क्योंकि ये विषय मुझे लगा कि एक बार फिर से आप लोगों को लिए ही जो है एक संक्षिप्त वाला वीडियो ही बना देना चाहिए, क्योंकि कई लोगों ने मुझे ये मेल पर भेजा है कि क्या दादा, अगर हम जो है 9 दिन का दीप प्रज्वलन कर रहे हैं आरती के, तो आरती दीपक क्या हम तेल और घी दोनों से ही मतलब मिश्रित करके प्रज्वलन कर सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल ये गलती नवरात्रि की पूजा हो या कोई भी पूजा हो उसमें मत करिएगा। शास्त्र में जो है इसके बहुत ही ज़्यादा सख्त तरीके से इसका निषेध है। कहा गया है, न मिश्रकृत्यं दद्यात् तु दीपस्नेह घृतादिकाना दत्वा मिश्रकृत्यं स्नेहं तमीश्वं नरकं वर्जेत। अर्थात जो घृत और तेल दोनों प्रकार मिलाकर जो है दीपक प्रज्वलन करते हैं देव पूजा के, वो नरक में जाते हैं, अर्थात उनकी पूजा शुद्ध नहीं रहता है, वो अशुद्ध हो जाता है। तो आप नवरात्रि की पूजन आदि कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आप जो है आप अपने इस ऐसी एक गलती के कारण जो है आपका पूरा पूजा ही अशुद्ध हो सकता है। तो तेल और घी मिलाकर कभी भी जो है दीपक प्रज्वलन नहीं होता है। अगर आप पूरा घी से नहीं कर पा रहे हैं, मैं समझता हूँ, ये मेल एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने शायद इसीलिए भेजा होगा कि बहुत सारे लोग शायद पूरा घी से नहीं जला पा रहे हैं उतने दिन, तो वो तेल के साथ थोड़ा सा घी बस वो दे देंगे। ऐसा मैंने बहुत लोगों को देखा भी है और उसके बाद मैंने उन्हें मना किया है, पता नहीं वो उसका पालन करते हैं या नहीं। पर तेल वो ते क्योंकि घी उतना ज़्यादा वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, स्वाभाविक है घी महंगा ही होता है। आप नवरात्रि में 3-4 बार अगर आरती करते हैं हर दिन, तो हर किसी के लिए पॉसिबल ना भी हो सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो वहाँ पर आप जो है मतलब पॉसिबल ना होना कोई समस्या नहीं है दोस्तों, ऐसा कुछ समस्या नहीं है, सभी के एक जैसे सामर्थ्य नहीं होते हैं। तो आप वहाँ पर तिल के तेल जला लीजिए, वहाँ पर आप तिल के तेल के दीपक ही प्रज्वलन करिए, कोई समस्या नहीं है, आपको घी के ही करने होंगे, कोई ज़रूरी नहीं है, पर तेल के साथ घी के मिश्रित करके जो है आप कभी भी आरती के दीपक प्रज्वलन मत करिएगा। ये जो है ये अशुद्ध पूजा हो जाएगा, ये अशुद्ध पूजा हो जाएगा, ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। आप नहीं कर पा रहे हैं घी के दीपक से आरती, घी के लिए आपके लिए संभव नहीं है, कोई बात नहीं, आप पहले दिन और अष्टमी के दिन जो है घी के दीपक केवल प्रज्वलन कर लीजिए, बाकी दिनों में आप तेल के दीपक प्रज्वलन करिए। आप प्रतिपद अष्टमी और नवमी, अगर ये 3 दिन अगर संभव होता है, तो इन 3 दिन ही केवल मात्र आप जो है घी के दीपक प्रज्वलन करके आरती करिए, केवल घी के दीपक से, बाकी दिनों में आप जो है तेल के दीपक से ही आरती करिए दोस्तों, कोई समस्या उससे नहीं होगी। पर अगर जो है आप तेल के साथ घी मिलाते हैं ना, तो वो अशुद्ध हो जाएगा। तो इस विषय को मतलब घी के दीपक जलाने के चक्कर में ये अशुद्ध कार्य मत कर डालिएगा। आप जो दे रहे हैं दीपक के लिए वो एक ही करिए, चाहे तो घी का इस्तेमाल करिए, चाहे तो तेल का इस्तेमाल करिए, दोनों अगर मिक्स करके ऐसे करने जाएंगे तो ये जो है ये अशुद्ध पूजा हो जाएगी, क्योंकि शास्त्र एकदम स्पष्टता से ये विषय कह रहा है कि ना मिश्रकृत्यं दद्यात् तु दीप स्नेह घृतादिकाना दत्वा मिश्रकृत्यं स्नेहं तमीश्वं तमीश्वं नरकं व्रजेत। अर्थात बिल्कुल भी नहीं मिलाना चाहिए। तो आरती दीपक में आपको कभी भी जो है नहीं मिलाना चाहिए, नरक का जाने का यहाँ पर जो है शास्त्र कहता है कि आप अगर घी के साथ तेल मिलाकर जो है दीपक प्रज्वलन करते हो पूजा के और उसे निवेदन करते हो, तो आप नरक में जाओगे। इसका मतलब यही है कि आपका पूजा जो है वो शुद्ध नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मूल विषय यही है। तो आप जो है तेल और मतलब घी के दीपक जलाने के चक्कर में तेल में थोड़ा सा घी डाल के उससे आप दीपक जलाकर आपको लग रहा है कि चलो हमने घी के तो नियम पूरे कर ले, बिल्कुल नहीं,
बिल्कुल नहीं, ये नियम पालन तो होगा ही नहीं, उल्टा ये अशुद्ध पूजन हो जाएगा। तो आपको आपके लिए अगर 2 दिन जलाना संभव हो रहा है घी के दीपक, या अगर केवल आपके लिए 1 दिन ही संभव हो रहा है, तो आप केवल अष्टमी के दिन करिए। केवल जो है आप प्रतिपदा, अष्टमी, नवमी, इन दिनों में आप कर लीजिए। बाकी दिनों में आप तेल के दीपक ही जलाइए ना, कोई समस्या नहीं है, पर जो जलाइए वो शुद्ध जलाइए। तेल का कर रहे हैं तो तेल का ही जलाइए। अगर आप 9 दिन भी तेल का प्रज्वलन करते तो भी कोई समस्या नहीं है, पर तेल का कर रहे हैं तो केवल तेल का ही करिए। अगर घी का कर रहे हैं तो केवल घी का ही करिए। दोनों को मिक्स करके जो है कोई नियम आदि पूरा करने मत जाइएगा, उससे उल्टा अशुद्ध पूजन हो जाएगा दोस्तों। तो आरती दीपक प्रज्वलन कर रहे हैं तो केवल घी से कर रहे हैं, घी से करना चाहते तो केवल घी से करें, तेल से करना चाहते तो केवल तेल से करें। कोई मतलब ऐसा कोई विषय घी के दीपक देना है, इसके लिए आपने तेल में घी डालकर वो नियम अगर आप पालन करना चाहते हैं तो उसका उल्टा, मतलब वो कोई नियम होता ही नहीं है, वो उल्टा अशुद्ध पूजन हो जाता है दोस्तों। तो इसीलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि ऐसा मत करिएगा। अगर तेल से ही आपके लिए प्रज्वलन करना संभव हो रहा है तो आप तेल से ही करें, और अगर जो है आप घी से कर पा रहे हैं तो घी से करिए। मतलब जो भी कर रहे हैं केवल उससे ही करिए, एक से ही करिए। घी से कर रहे हैं तो घी से, तेल से कर रहे हैं तो तेल से। तो मुझे लगता है दोस्तों नवरात्रि के आरती के दीपक के विषय में ये जो आप लोगों का एक कंफ्यूजन है वो आप लोगों को समझ में आ गया है। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर तेल से कर रहे हैं तो पूरा तेल से करिए, अगर घी से कर रहे हैं तो पूरा घी से करिए। दोनों को कभी भी मिक्स मत करिएगा, आरती के दीपक प्रज्वलन में हो या कोई भी दीपक प्रज्वलन में हो दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।